अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पार्ट टू। आपसे गुजारिश है कि पहले आप ये पार्ट देखने से पहले सिंपल इंटरेस्ट पार्ट वन देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इन हाउ मेनी इयर्स अ सम विल बी डबल्ड इफ इट इज लेंड एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। कितने समय में कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी। तो इसमें आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और लॉजिक से भी कर सकते हैं। तो कोई भी राशि आप मान लीजिए, माना मूलधन बराबर, यानी मूलधन मींस प्रिंसिपल, माना मूलधन बराबर 100, मिश्रधन कितना हो जाएगा यहाँ पे दुगना हो रहा है यानी 200। तो ब्याज कितना लगेगा यहाँ पे 200, मिश्रधन में से मूलधन घटाओगे तो ब्याज कितना आ जाएगा 100 रुपए। और आपको समय निकालना है, तो समय मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, समय इज इक्वल टू साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। तो यहाँ पे आप साधारण ब्याज रखेंगे 100 गुणा 100 बटे मूलधन कितना है 100 और दर कितनी है 5%। तो 100 से 100 कट जाएगा, 5 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 20 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 20 वर्ष। इसको बिना कॉपी पेन के भी आप कर सकते हो कि 100 से 200 करना है यानी मुझे 100 रुपए बढ़ाने हैं, और 5% का मतलब क्या होता है 100 रुपए पर 5 रुपए बढ़ रहे हैं एक साल में। तो एक साल में 5 रुपए बढ़ रहे हैं तो 100 रुपए कितने साल में बढ़ेंगे 20 साल में। तो इसलिए डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी लेंड एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज 880 इन 2 ईयर्स व्हाइल 920 इन 3 ईयर्स फाइंड द सम। यानी कोई राशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में 880 रुपए जबकि 3 वर्ष में 920 रुपए हो जाती है, राशि ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें क्या है, 2 वर्ष में कितने रुपए हो रही है ये 880 रुपए और 3 वर्ष में कितनी हो रही है ये 920 रुपए। यानी 1 वर्ष में कितनी बढ़ी, 2 वर्ष में हुई है ये 880, 3 वर्ष में 920। तो 1 वर्ष में कितनी बढ़ रही है ये 40 रुपए। 1 वर्ष में बढ़े हैं कितने 40 रुपए। 1 वर्ष में 40 रुपए बढ़े हैं तो 2 वर्ष में कितने बढ़े होंगे, 2 वर्ष में बढ़े यानी 880 में से 2 वर्ष में कितने बढ़ेंगे 40 × 80 रुपए। तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन निकालना है, तो 2 वर्ष पहले कितने थे 880 में से 80 माइनस करना पड़ेगा यानी कितना आ जाएगा ये 880 रुपए। तो मूलधन 880 में से 80 घटाओगे तो 800 रुपए, यानी राशि कितनी आ गई 800 रुपए। रुपीज 100 टू बी फॉर 4 ईयर्स एंड रुपीज 160 टू सी फॉर 5 ईयर्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज सेम इन बोथ द केसेस ही गोट फ्रॉम बोथ रुपीज 240 एज इंटरेस्ट फाइंड द रेट। यानी ए ने 100 रुपए बी को 4 वर्ष के लिए जबकि 160 रुपए सी को 5 वर्ष के लिए उधार दिए, यदि दर प्रतिशत समान हो तो दर ज्ञात कीजिए। पहले देखो इसको आपको लॉजिक से बता देते हैं कि दर प्रतिशत समान है तो फॉर्मूला क्या निकालोगे आप, ए ने 100 रुपए बी को 4 वर्ष के लिए जबकि 160 रुपए सी को 5 वर्ष के लिए उधार दिए हैं, यदि दर प्रतिशत समान हो तो दर ज्ञात कीजिए, और दोनों से उसको 240 रुपए ब्याज के रूप में मिले हैं। यहाँ पे ये लिखा नहीं गया है, 240 रुपए ब्याज मिला है यहाँ पे, कुल ब्याज 240 रुपए। तो आप कैसे करते हो, पहले से ब्याज कितना होगा मूलधन गुणा दर कितनी है पता नहीं है गुणा समय कितना है पहले के लिए 4 वर्ष बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 प्लस दूसरे से मूलधन कितना है 160, दर निकालनी है, समय दूसरे के लिए कितना है 5 वर्ष बटे 100 बराबर कुल ब्याज कितना मिल रहा है 240 रुपए। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 100 से 100 कटेगा, 0 से 0 काटोगे, यानी 4R प्लस 8R
बराबर 240, 12R बराबर 240, तो R बराबर 240 बटे 12, यानी दर कितनी आएगी 20%। ये तो हो गया आपका तरीके से। अब इसको बिना कॉपी पेन के अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो देखिए, इसने क्या है कि 100 रुपए बी को 4 वर्ष के लिए दिए हैं। अगर जितना ब्याज इतने इसने इतने समय में कमाया है वही अगर मुझे एक साल में कमाना है तो कितने रुपए लगाने पड़ेंगे, 100 रुपए 4 वर्ष के लिए लगाए तो 1 वर्ष के लिए 400 रुपए लगाने पड़ेंगे अगर उतना ही पैसा कमाना है एक साल में। ऐसे यहाँ पे 160 रुपए इसने 5 वर्ष के लिए लगाए हैं, उतना ही पैसा कमाना है तो 160 × 5 यानी 800 रुपए लगाने पड़ेंगे। 16×5=80, 800 रुपए ये और 400 रुपए ये, यानी टोटल कितने हो गए 1200 रुपए, और 1200 रुपए पे ब्याज कितना मिल रहा है 240 रुपए, तो इसलिए 240 रुपए 1200 का कितना प्रतिशत है, तो यहां से भी 20% आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 1760 इन 2 years एंड रुपीज 2000 इन 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट फंड सम एंड रेट परसेंट। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1760 रुपए, तो 2 वर्ष में कितनी हो रही है गाइस 1760 रुपए, जबकि 5 वर्ष में 2000 रुपए, 5 वर्ष में 2000 रुपए। तो इसने कहा है राशि और दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो यानी मुझे मूलधन भी निकालना है और दर भी निकालनी है। तो देखो 2 वर्ष में 1760, 5 वर्ष में 2000, तो यहाँ पे 3 वर्ष का गैप आ रहा है, तो 3 वर्ष में कितने रुपए बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 240 रुपए। 3 वर्ष में 240 रुपए बढ़ रहे हैं, तो 1 वर्ष में कितने रुपए बढ़ेंगे, 240 को 3 से भाग करोगे यानी 80 रुपए। अब इसने कहा है कि 2 वर्ष में 1760 हो रहे हैं, तो 2 वर्ष में कितने रुपए बढ़े होंगे, 2 वर्ष में बढ़े 80 × 2 यानी 160। तो 2 वर्ष पहले कितने थे, क्योंकि मूलधन निकालना है तो 2 वर्ष पहले वाला निकालना पड़ेगा, तो 2 वर्ष में 1760 रुपए हुए हैं, तो इसमें से 160 घटा दिया जाए, तो 2 वर्ष पहले कितने थे 1600 रुपए, तो ये क्या आ गया गाइस हमारा मूलधन आ गया। अब मुझे दर भी निकालनी है, तो दर आप या तो फॉर्मूले से निकाल लो या लॉजिक से निकाल लो कि 1600 रुपए पे 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है 80 रुपए, तो 80 रुपए 1600 का कितना प्रतिशत है, तो दर कितनी आ जाएगी गाइस 5%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 रुपीज बिकम्स 956 रुपीज इन 3 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ रेट इज इंक्रीज बाय 4% व्हाट अमाउंट विल रुपीज 800 बिकम्स इन 3 years। 800 रुपए साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाते हैं, यदि दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपए 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे। तो देखो गाइस अगर आप इसको अपने तरीके से करते हो तो आप पहले फॉर्मूला वगैरह लगा के दर निकालोगे, दर निकालने के बाद उसमें 4% बढ़ाओगे, फिर साधारण ब्याज निकालोगे, फिर उसको मूलधन में जोड़ोगे, फिर मिश्र धन आएगा। लेकिन हम शॉर्टकट तरीके से अगर करते हैं तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, 800 रुपए कितने हो रहे हैं ये 956 रुपए, कितने वर्ष में 3 वर्ष में। अब इसने कहा है कि यदि दर 4% बढ़ा दी जाए तो 4% एक साल में बढ़ेगी, तो 3 साल में कितनी बढ़ेगी 12%, तो मैं 800 का डायरेक्ट 12% निकाल लेता हूं, तो मुझे यहां से पता चल जाएगा कि कितने रुपए बढ़ रहे हैं, तो 12×96 रुपए आप इसमें बढ़ा दीजिए, तो कितना आ जाएगा गाइस 6×6=12 का 2 का हासिल 1, 9 और 5 14 और 1 15 का 5 का हासिल 1, 9 और 1 10, तो 1052 रुपए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1052 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 16/25 ऑफ द सम, फाइंड द रेट परसेंट, इफ द रेट परसेंट एंड टाइम आर इक्वल
किसी राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 गुना है, यदि दर और समय समान हो तो दर ज्ञात कीजिए। देखो इसने कहा है कि साधारण ब्याज क्या है, उस राशि का 16/25 गुना है, तो राशि का यानी ये हो गया आपका मूलधन, और साधारण ब्याज है तो ये 16 रुपए क्या हो गया, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। और इसने कहा है कि दर और समय समान है, तो आपको मैंने फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। तो आर निकालना है, साधारण ब्याज की जगह आप 16 रखेंगे, इंटू 100 अपॉन मूलधन की जगह 25 रखेंगे, और इसने कहा है कि समय और दर क्या है, दोनों समान है, तो समय की जगह आर लिखा जाएगा, 25 से काटोगे 25 चौका 100, आर स्क्वायर बराबर 16 चौके 64, तो आर बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 8%, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गाइस 8%। What sum will amount to ₹9900 in 2 years at 5% simple interest? 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 2 वर्ष में 9900 रुपए हो जाती है, राशि ज्ञात कीजिए। तो देखो 5% 1 साल का ब्याज है, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा गाइस, 10%। 10% ब्याज लग रहा है, 100% मूलधन है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 110%, और इसने मिश्रधन मुझे दिया हुआ है 9900 रुपए, तो हम कह सकते हैं कि 110% बराबर 9900 रुपए, और हमें मूल राशि निकालनी है, तो हम क्या निकालते हैं 100% बराबर कितना, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा गाइस यहां से 9900/110×100, यानी ये आ जाएगा आपका 9000 रुपए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गाइस 9000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 4% पर एनम फॉर 4 years इज 80 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट फॉर 3 years एट 5% पर एनम, फाइंड द सम। किसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 80 रुपए अधिक है, राशि ज्ञात कीजिए, यानी हमें राशि निकालनी है, राशि ज्ञात कीजिए। तो देखो 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होना चाहिए, 16%, 4×4 16%। 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होना चाहिए, 15%, और दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, 80 रुपए का अंतर आ रहा है, हमारे अनुसार कितने का अंतर आ रहा है, 1% का अंतर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 1% बराबर 80 रुपए, और हमें मूलधन निकालना है, मूल राशि निकालनी है, तो 100% बराबर कितना, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा गाइस 8000 रुपए। क्वेश्चन, 4000 रुपीज इज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट इन 2 parts, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट इज 8% पर एनम एंड सेकेंड पार्ट इज 10% पर एनम, इफ द टोटल इंटरेस्ट इज 352 रुपीज, फाइंड द अमाउंट लेंट एट 8% पर एनम। 4000 रुपए को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है, यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तथा दूसरे भाग पर यह दर 10% वार्षिक हो, तो कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपए मिले, तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया। तो देखिए गाइस, एक तरफ 8% है, एक तरफ 10% है। इस क्वेश्चन के लिए भी 2 tricks है, एक एलिगेशन है और एक दूसरी ट्रिक है, मैं आपको दूसरी बता रहा हूं। ये 8% और ये 10%, तो आप यहाँ पे देखोगे 8% और ये 8% प्लस 2% ये एक्स्ट्रा हो गया, यानी 8-8 बराबर हो गया, तो 4000 रुपए पे पहले आप 8% निकाल लो, तो 4000 का 8% कितना हो गया, 8×32 यानी 320 रुपए, जबकि ब्याज कितना है मेरे पास 352 रुपए, इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना हुआ 32 रुपए। अब ये जो 32 रुपए एक्स्ट्रा है ये किसकी वजह से है, 2% की वजह से, तो मैं कह सकता हूं कि 2% बराबर 32 रुपए, तो यहां से 100% बराबर कितना 32/2×100, तो ये कितना आ जाएगा गाइस 1600 रुपए। तो ये 1600 रुपए क्या आई है, 10% वाली राशि आई है, और मुझे 8% वाली इसने पूछी है, तो 8% वाली राशि कितनी हो जाएगी
4000 में से 1600 आप माइनस कर दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा, 2400 रुपए। तो गाइस ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट। ये वीडियोस हमारी शॉर्टकट ट्रिक्स आपको कैसी लगी अपने कमेंट जरूर दीजिए, लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को, आप शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो केवल कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के साइड में एक घंटी वाला ऑप्शन है, उस पे जरूर क्लिक कर लें जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियोज आपके पास डायरेक्टली पहुंचती रहे। थैंक यू।